एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की सोची। इसके लिए उसने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दूसरे ही दिन वह रज सवला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? वह अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा कि मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को जीवने का न्योता दिया है और आज ही मैं रज सवला हो गई। पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि हम 12 वर्ष में आँख खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भोजन में कोई आपत्ति नहीं है, आप आँख खोलिए। ऋषियों ने जैसे ही आँख खोली तो देखा कि भोजन में लट व कीड़े हैं। यह देखकर उन्होंने ब्राह्मण व उसकी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने तो बैल का व उसकी पत्नी ने कुतिया का रूप में जन्म लिया। दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन लड़के के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया, इसलिए उसने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देख बेल व कुतिया बातें करने लगी कि आज तो अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, खीर पूरी खाने को मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे की बहू खीर बनाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाकर अंदर गई तो दूध में एक छिपकली का बच्चा गिर गया। कुतिया यह देख रही थी। उसने सोचा कि ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मर जाएंगे और अपने बहू बेटे को श्राप लगेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध की भगोनी में मुंह लगा दिया। बहू ने यह सब देख लिया, उसे बहुत क्रोध आया। उसने चूल्हे की लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा, उसकी कमर टूट गई। बहू ने उस दूध को फेंका और दोबारा से रसोई बनाई व आमंत्रित ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाया। बहू रोज कुतिया को रोटी देती थी, पर उस दिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात को कुतिया बेल के पास गई और बोली, आज तो मुझे बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर टूट गई और रोटी भी नहीं मिली। बेल बोला, आज मैं भी बहुत भूखा हूँ, आज मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बातें कर रहे थे कि तूने पिछले जन्म में रज सवला होने पर भी ऋषियों के लिए खाना बनाया, उन्हीं के श्राप के कारण हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। वे दोनों जब यह बातें कर रहे थे तो उनके बेटे ने उनकी बातें सुन ली। उसे अपने माता पिता के बारे में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कुतिया को रोटी दी और बैल को चारा दिया। दूसरे दिन वह ऋषियों के पास गया और अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि बोले कि भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना और अपने माता पिता को ऋषियों के नहाए पानी से नहलाना। उसने ऐसा ही किया और अपने माता पिता को कुतिया वह बेल की योनि से मुक्ति करवाई।